फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल द विस्कीपीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में बियर कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, बियर पीना किसको नहीं पसंद। जी हां, गर्मियों में बियर पीने का अपना ही मजा है। पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी अगर बात की जाए तो लोगों को बियर पीना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अपने खुद की बात करूं तो भाई मुझे भी बियर पीना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भाई उसको बनाया कैसे जाता है। आपकी रेफरेंस के लिए ये कुछ चीजें मैंने आज टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। सारी डिटेल्स बताऊंगा कि क्या क्या चीज यूज की जाती है बियर बनाने के लिए और बियर कैसे बनती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं ऐसी ही मनोरंजक वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो यार एक लाइक कर दिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बियर बनाने के लिए क्या क्या चीजों का यूज किया जाता है। मेजरली चार चीजों का यूज किया जाता है, लेकिन इंडिया में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बियर बनाने में डाली जाती हैं। चलिए मैं उसके बारे में बता देता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घरों पे बियर बनानी स्टार्ट कर दो। आपको वाइन शॉप पे ही जाना होगा, वहां से ही खरीद के आप उसे पी सकते हो। दोस्तों, बियर बनाने के लिए सबसे पहले पानी का यूज किया जाता है, उसके बाद मॉल्टेड बार्ले का यूज किया जाता है। वो क्या चीज होती है मैं अभी आपको सारा लाइव दिखाऊंगा। तीसरे नंबर पे यूज किया जाता है वो होता है होप्स, जी हाँ, जो कि काफी मेन इंग्रेडिएंट है बियर बनाने के लिए। और चौथे नंबर पे यूज होता है ईस्ट। लेकिन इंडिया में बियर बनाने के लिए पांचवें नंबर पे भी एक चीज का यूज किया जाता है, जिसे एडजंक्स कहते हैं। अब ये एडजंक्स क्या होते हैं ये आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें यूज करते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बियर पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि है पानी। आपको रेफरेंस देने के लिए यहाँ पे एक पानी का गिलास मैंने रखा है। जी हाँ, पानी मेन इंग्रेडिएंट है बियर बनाने के लिए। जब भी कोई कंपनी बियर बनाती है तो काफी ध्यान से पानी को चुना जाता है, काफी ज्यादा रिसर्च करती है कंपनी, क्योंकि पानी काफी तरह का होता है। जैसे कि हिंदी में हमें पता ही है कि कई जगह का पानी खारा होता है, कई जगह का हैवी वाटर होता है, कई जगह का सॉफ्ट वाटर होता है। कहीं पे पानी में मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं में पानी में मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा कम पाए जाते हैं। यही चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं बियर के टेस्ट में। जी हाँ, जिस तरह का पानी होगा उसी तरह की फाइनल प्रोडक्ट बियर हमें देखने को मिलेगी। तो इस वजह से पानी जो है ये काफ़ी मेन इंग्रेडिएंट है बियर बनाने के लिए। दूसरे नंबर पे मैं जो इंग्रेडिएंट आपको बोल रहा था वो है माल्टेड बार्ले। अब बार्ले का होता है दोस्तों, ये ट्रे के ऊपर मैंने ये रखे हैं, जिसको हम हिंदी में जौ भी बोलते हैं। जी हाँ, जौ को ही बार्ले बोला जाता है, और इसको हल्का सा माल्टेड किया जाता है। माल्टेड में क्या होता है कि इसमें एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ये फूटना स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक आप लाइफ कह लो, एक उगनी शुरू हो जाती है, जी हाँ स्टार्ट हो जाती है, जिसको रोक दिया जाता है, उसको बोलते हैं माल्टेड बार्ले। और माल्टेड बार्ले का यूज किया जाता है बियर को बनाने के लिए। किसी किसी केस में माल्टेड बार्ले को इसको रोस्ट भी किया जाता है, जी हाँ हल्का पकाया जाता है इसको, जिस वजह से ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, और यही कलर आप अपनी बियर में देखते हो। जी हाँ, जितना ज़्यादा इसको पकाया गया होगा माल्टेड बार्ले को, वैसा ही कलर आपकी बियर में आएगा। तो ये भी एक काफ़ी खास, काफ़ी मेन इंग्रेडिएंट है। दोस्तों, अब तीसरे मेन इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं, जो कि होता है होप्स। अब होप्स क्या होता है दोस्तों, होप्स एक प्लांट होता है जिसको यूज किया जाता है बियर बनाने के लिए। वो बियर में फ्लेवरिंग एजेंट का यूज करता है। जितना ज्यादा उसका यूज किया जाएगा, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में उसको डाला जाएगा, उतनी ही ज्यादा आपकी जो बियर होगी वो कड़वी होगी, वो बिटर होगी। जी हाँ, जोनसी बियर में कम मात्रा में उसका यूज किया जाता है होप्स का, उसमें आपको एक स्वीटनेस आएगी, उसमें आपको कड़वापन कम मिलेगा। चौथा जो इंग्रेडिएंट यूज करती है कंपनी, ये होता है ईस्ट। जी हाँ, जिसको हम काफ़ी ज़्यादा अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, ब्रेड बनाने में भी यूज़ होता है, काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, उसको डाला जाता है। उसको चूज़ करने में भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करती है, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि किस क्वालिटी की जो शुगर है उसको कन्वर्ट करेंगे वो अल्कोहल में। तो ये तो थे चार मेन इंग्रेडिएंट्स बियर बनाने के लिए। अब इंडिया में जो भी बियर्स बनती हैं, इसमें पांचवा इंग्रेडिएंट भी यूज होता है, जिसको कि एडजंक्स बोलते हैं। अब ये एडजंक्स क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे इस ट्रे में ये चावल भी रखे हुए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे चावल पड़े हुए हैं,
और यहाँ पे वीट, ये गेहूं भी पड़ा हुआ है। कई बीयर्स में कंपनी चावल का भी यूज करती है, गेहूं का भी यूज करती है, जिस वजह से आपकी जो बियर है इसमें अलग टेस्ट आता है, एक स्वीटनेस आती है इसमें। जब भी कंपनी चावल का, राइस का यूज करती है तो इसमें एक क्रीमी टेक्सचर और एक स्वीटनेस आती है। हम इंडियंस को स्वीट बियर ज़्यादा पसंद रहती है, कड़वी बियर हम लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसीलिए जितनी भी बियर्स इंडिया में बनती हैं उसमें ज़्यादातर चावल का यूज़ किया जाता है या फिर वीट का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि मार्केट में वीट बियर्स भी काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, तो भाई यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं मेनली बियर बनाने के लिए, और आप अपने घरों पे बैठ के उसको अच्छे से इंजॉय करते हो। लेकिन ये जो सारी प्रोसेस है ये काफ़ी लंबी और काफ़ी टफ प्रोसेस है। अगर आप इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा एक प्रोसेस जानना चाहते हो कि कैसे मिलिंग, वॉशिंग सारा कुछ होता है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। हालांकि मैं उसको प्रॉपर बना के आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा जरूर सकता हूँ कि बियर कैसे बनती है। दोस्तों आपकी कौन सी फेवरेट बियर है प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कौन सी बियर पीना ज्यादा पसंद है। तो ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।